ओके, वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ एन ई-स्पोर्ट्स प्लेयर, डे 77। और आज हम लोगों ने खेला कस्टम्स। पहला जो है हम लोगों ने आज थोड़ा सा देर से शुरू किया, क्योंकि आज हम लोगों का कल होली है, तो इसका थोड़ा सा प्रिपरेशन भी जो है हमको थोड़ा सा करना था। तो हमने कुछ चीज़ें जो है हम लोगों ने खरीदा, तो कल के व्लॉग में जो है आपको वो सब चीज़ें दिख जाएगा। और अभी के लिए जो है हम लोगों ने रात में शुरू किया अपना जो कस्टम्स का जो सीन है वो। पहला जो हम लोगों ने खेला वो शायद से 10 बजे वाला मैच, फिर 11 बजे, फिर 11:30, फिर तुम्हारा एक बोनस मैच था उसमें जो है हम लोगों ने खेला। उसके बाद एक और मैच में इरेंगल का, फिर एक और मैच 1 बजे खेला हम लोगों ने मीरा मार का मैच, एंड उसके साथ जो है आज का जो कोटा है हम लोगों का कस्टम का हम लोगों ने किया है। तो अगर बात किया जाए, मैं काम करते करते बताता हूँ, क्योंकि अभी 3 बज चुका है एंड अभी हम लोग को जल्द से जल्द सोना, क्योंकि कल उनको बहुत सुबह जो है उठना भी है, क्योंकि कल होली है ऑफिस में, तो बहुत सारा काम करना बाकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात है, हम लोग का फर्स्ट मैच कैसा गया था याद है आपको? फर्स्ट मैच इरेंगल ना, कोचिंग के में उतरे तो फाइट लेते वक्त हम लोग मर गए, तो उसमें अच्छा नहीं गया था। अरे और तो फाइट लेते लेते मर गए, तो कौन सा वाला जो यहाँ पे हम लोग ने 5 के निकाले वो वाला मैच था ना? हाँ हाँ। तो उसमें क्या हुआ था कि कोचिंग में तुम्हारा 2 स्क्वाड के जैसे उतर गया था, तो वहाँ पे TCS का एक स्क्वाड था और एक था हेल फायर बोल के टीम है, उनका जो है उनका स्क्वाड था। तो हम लोगों ने फर्स्ट फाइट लिया हेल फायर के साथ और उनको जो है हम लोगों ने क्लीन वाइप दिया, ठीक है। उसमें क्या हुआ ना कि हमारा जो बंदा था कृष्णा, वो हो गया कैजुअलाइज, तो वो चला गया ऑफरिंग, उससे कुछ काम भी था। तो मैं, नोवा और कल्कि, हम तीनों जो थे, हम तीनों बचे हुए थे एंड जो धीरे 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 करके जो हम लोग एग्रेस कर रहे थे। पर वहाँ पे BT क्या हुआ कि एक थोड़ा सा लाइक अनसर्टेनिटी के लिए, लाइक हमको पता नहीं चला कि वहाँ पे एग्जैक्टली ऊपर 2 बंदा था, इतना तो इन्फो तो था बट उस एंगल में रहेगा ना वो पता नहीं था, मतलब पता था बट क्या ना उस वक्त याद नहीं था, ठीक है। उसने नोवा खाया फर्स्ट नॉक, तो फर्स्ट नॉक के बाद कल्कि था वहाँ पे, फिर मैंने जो है सपोर्ट के लिए मैं भी उतरा, बेचारे से मैं पता नहीं कैसे बट मैं भी नॉक आ गया। इसका तो वर्ष भी था, हीलिंग भी इसके पास था नहीं, तो ये भी जो है वहाँ पे फिनिश कर गया। तो वहीं पे जो हम लोग 5 किल करके हम लोग #8 पे लाइक हम लोग हो गए वाइप। तो वो है सीन। बाकी का सेकंड वाला मैच हम लोग का बोनस मैच था, तो उसमें मैं पहले ही मर गया कि मेरे को जो है जिसने मारा था उसने मेरे गलत तरीके से मारा था, मतलब वो अलाउड नहीं था, बट फिर भी इट्स फाइन, क्या ही कर सकते। बोनस में क्या था वो शॉटगन वाला, सिर्फ और सिर्फ शॉटगन, तो वो QBZ से मारा, जो QBZ से मारा। तो भाई मैं भी तमाम से था ना वहाँ पे एम स्प्रे वगैरह है ना, तो बस वही अभी अब क्या कर, अब उसमें और हम क्या ही कह सकते हैं। तो ये गया हम लोगों का फर्स्ट। सेकेंड जो चीज़ है हम लोगों का यहाँ पे हुआ कि इरेंगल वाला मैच में फिर से, तो इरेंगल वाला मैच में फिर से जो लोग हम लोग उतरे, तो वहाँ पे भी शायद तो सिर्फ और सिर्फ TCS का बंदा उतरा था और कोई स्क्वाड नहीं उतरा था, नहीं मोस्ट प्रोबेबली शायद से। तो वहाँ पे वो लोग उतरे और हम लोग क्या थे ना, तो स्कैटर्ड थे, मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और वो लोग है ना मतलब एक गुच्छा का तरह वो लोग आए थे, मतलब एक ही जगह 4 बंदे उतरे, 4 घर है, 4 लूटे एक साथ मिलके, एक 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 करके वो लोग जो है वो लोग फायर कर रहे थे। फिर तो नोवा को तो इन्होंने पैन किया था, क्योंकि नोवा जस्ट गन, उसने जस्ट एक शॉट गन ऐसे उठाया, उसे कट्टा देके एक मारा, तो नोवा नॉक हो गया, नो हेलमेट ना वेस्ट कुछ भी नहीं था, और क्या बोलते कट्टा का तो पता ही है क्या है। तो उसमें क्या हुआ था कि लाइक पूरा मतलब जो सीन है, मतलब पूरा जो डैमेज है वहाँ पे खा गया वो नोवा और उसको किया गया पैन, मुझे पता नहीं क्यों किया, उसके पास गन था ना। हाँ गन था, फिनिश करने के लिए शॉटगन था उसके पास, उसके पास कट्टा था और शॉटगन था। हाँ, तो फिनिश करने के लिए उसके पास इतना सारा गन होने के बाद भी उसने पता नहीं क्यों उसने जो है कट्टे क्या बोला पैन या मशीटी सिकल से जो इसको किया, नहीं ना कि हाँ भाई बहुत बड़ा कुछ पता नहीं भाई क्या सीन, बट कोई ना। फिर जो है हम लोग उतना कुछ माइंड नहीं किए थे, फिर हम लोगों ने जो है कोशिश किया मारने का, बट गन का प्रॉपर लूट नहीं था और हीलिंग वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है, स्मोक भी छोड़ो नेट तो भाई छोड़ ही दो, तो कुछ भी नहीं था। तो हम लोग जो है होल्ड करते गए और वही पे हुआ गलती, एक एक करके हम लोग होल्ड किए और एक एक करके जो उन्होंने 4 जन मिल के एक एक के पास गए और नॉक फिनिश नॉक फिनिश नॉक फिनिश करते करते मेरे पास आया, मैं लास्ट बंदा था, कुछ को नॉक फिनिश दे दिया, चलो ठीक है, हम लोगों ने चुक किया, हम लोगों का गलती। नेक्स्ट मैच में हम लोग जब आते हैं मीरामार वाला मैच में, तब आके बोलते हैं कि मतलब चैट में कि भाई रूम चैट में, हाँ रूम चैट में कि भाई कोचिंग के अंदर बहुत गलत सीन है,
उतना भी कुछ नहीं है ठीक है, उतना मैंने कुछ लिया नहीं, मैंने ऐसे सिंपल वे में कहा कि भाई सीन तो हो गए भाई, गर्ल नेम मिला तो सीन तो हो गए, फिर नॉर्मल एक कन्वर्सेशन हुआ। कुछ थोड़ा सा लगा कि यार ये लोग थोड़ा अजीब सा लाइक बात कर रहे हैं, मतलब बात में लिख उतना कुछ नहीं रहा है पर थोड़ा अजीब सा, मतलब जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे इनका ड्रॉप था भी नहीं, फिर भी वो लोग वही जा रहे हैं, थोड़ा सा अजीब सा लगा। मुझे जैसे लगा था कि यार पोचिंग के में तो ये लोग आए थे, इनको सबको पता है जो लोग भी हमारे साथ खेलते हैं, सैन मार्टिन में हम लोग जाएंगे, पोचिंग में हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, कुछ भी हो मतलब कस्टम बहुत हाई फाई हो, क्वालिफायर्स हो, सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, जितना भी 10 बंदे आए पोचिंग के सैन मार्टिन हम लोग वहीं पर जाएंगे, सिंपल सा चीज़ है, मरेंगे या फिर मारेंगे, सिंपल सी चीज़ ठीक है ना। वो लोग आए सैन मार्टिन, तो आया एक बंदा कैप्चर, हम लोग के बीच फंस गया, दो बंदा ऐसे ओपन घूम रहा है और एक बंदा का टाइमर कर लिया, वो नहीं आ पाया था ठीक है। तो एक बंदे को हम लोग सब चढ़ा, उसको हम लोगों ने नॉक किया, शायद से कल की ने नॉक किया, नोवा ने मैक्सिमम डैमेज दिया था, फिर नोवा ने किया उसको पैन ठीक है, तो हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि दो बंदा बचा हुआ था, पर वहाँ पे एक एफ हो गया था क्या, वो बंदे एक ऑफ एंगल में था, तो यहाँ से एक कृष्णा नॉक हो गया, यहाँ से नोवा नॉक हो गया, बीच में कल्की था, तो कल्की जो है उसने दोनों को रिवाइव दिया, मैं यहाँ से जो है एक बंदे को जो मैंने यहाँ पे एंगेज कर रहा था, तो मैं कृष्णा को रिवाइव नहीं दे पाया, मैं नोवा को रिवाइव दे, कृष्णा को रिवाइव देते थे वो पुश किया, यहाँ पे एक जो बंदा है उसके साथ मैं एंगेज हो रहा था, तो इसके सामने बस एक ही बंदा था, दो बंदे इसके ऊपर नहीं पुश किया, वो एक प्रॉपर सीन हो गया, सामने वाला जब पुश किया तो उसने नॉक दे दिया, इसका 1v2 हो गया, फिर इसने रिवाइव देने के लिए लाइक पकड़ा कृष्णा को, कृष्णा का पिक्सल एचपी से थोड़ा सा ज्यादा था, एग्जैक्टली जब उसने छोड़ा तो बंदा आया और उसने मार दिया, तो 1v3 वहाँ पे हो गया, फिर वो वाला मैच नेक्स्ट में जाकर चिकन में निकाला, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ तीन पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है वो वाला पॉइंट आपको दिख जाएगा ठीक है, 3 पॉइंट के लिए हम लोग जो है हाथों से 250 रुपीज निकल गया, सुनने में बहुत कम लग रहा है बट है भाई है, पिचकारी हो जाता कल, हाँ एक दो पिचकारी हो जाता, तो बस वही है थी, हम लोग को एज अ टीम मेहनत और करना पड़ेगा ताकि हम लोग ऐसे फाइट चोक ना करें, और चोक करने के बाद भी अगर कोई सिंगल बंदे या फिर दो बंदा भी जिंदा रहता है ना, तो एक ऐसा रहे कि भाई दो बंदे भी एक स्क्वाड को खा सकते हैं ठीक है, तो बस वही सीन जो है अभी दिमाग में चल के जाना है अभी, और अभी एक बंदे का मैंने दिखाया था के का, के जो वो कोरियन जो प्लेयर है उसके मैंने वीडियो थोड़ा सा है तो इनको ऐसा दिखाया, क्योंकि वही जो है मेनली हम लोगों का टीम का जो है S12 का प्लेयर है, बाकी तो भाई हम लोग बस हंसते चला लेते जो भी गन मिले। मेरा अगर पर्सनल, अगर तुम्हारा कॉम्बो क्या है अभी? मेरा अभी कॉम्बो मोस्टली रहता है M4 और S12 के, मेरा अभी बहुत सारा कम हो चुका है, एक उजी रहेगा, फिर तुम्हारा M4 DBS रहेगा, फिर तुम्हारा और क्या रहता है मेरा M4 DBS, फिर उजी तुम तो चला रहे थे बीच में, फिर एक AKM DBS था पूरा क्लोज वाला, हाँ पूरा क्लोज वाला एक था, फिर से बहुत सारा था, पर मेरा भी वही एक था वो क्लोज वाला, वो रखता नहीं मैं अभी, हाँ अभी के लिए मेरा, और अगर कुछ ना मिले तो फिर DP और AKM, ठीक है, मेन क्या ना स्प्रे के लिए गन चाहिए, DP का स्प्रे शिफ्ट अच्छा नहीं होता ठीक है ना, तो वो एक मेन प्रॉब्लम रहता है, M4 का होता है, तो M4 और UMP FS करन विद एक्सटेंडेड मैगर मिल जाता है फिर बहुत बढ़िया होता है, तो यही अभी मेन है, नहीं मिलता फिर DP, तो बस वही, या फिर शॉटगन अगर मिल जाता है S12 के तो भाई बढ़िया ही बढ़िया, तो बस वही अभी शॉटगन अच्छे से चलाना सीखना है और कुछ कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है अभी के लिए, और क्या किया और कुछ किया हम लोगों ने, बस रैंक खेले हम लोग, रैंक खेले उसमें हम लोगों ने पहले 3 मैचेस भगाना, नोवा रियलाइज हुआ कि भाई देखो ऐसा करने से नहीं होगा, फिर थोड़ा सा सीरियसली हम लोग खेले एंड निकल गया वो वाला मैच ठीक है ना, तो एक अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है तो फिर कोई भी मैच बहुत इजीली निकल सकता है, तो वो एक सिंपल से बात होगा। अभी के लिए अगर मैं एक नॉर्मल अगर बात करना चाहूँ तो फिर आप क्या कह सकते हो कि ठीक से तो जो है हम लोग खेल तो रहे हैं, बट ये वाला मत लेना ठीक है ना, तो ठीक से जो हम लोग खेल तो अभी के लिए रहे हैं, बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि हम लोग अभी प्रॉपर कॉल्स, अभी के लिए मेन प्रॉब्लम, अगर वो कॉल्स का जो सीन अगर वो आ जाता है तो फिर भाई मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों का हो जाएगा सॉल्व, और एनीवे अगर हम लोग
नॉर्मली किसी और बारे में बात करना चाहते हैं तो वो कुछ करने के लायक है नहीं। आज हमने बस इतना ही किया, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। अभी हम लोग थोड़ा सा ऐसा झाड़ पोछ के हम लोग जो है सोएंगे, और बाकी का ब्लॉग जो है आपको कल को देखने को मिलेगा विद होली मैसेज। सो हैप्पी होली टू ऑल जो भी आज देख रहे हो, ये जो वीडियो है रिलीज होगा होली के दिन। सो वेरी 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 हैप्पी होली टू एवरी वन। कल होली है या फिर दोल है? कल दोल, परसों होली। हाँ परसों होली है, तो हैप्पी दोल, शुभ दोल की बोले, शुभ दोल यात्रा। शुभ दोल यात्रा बंगाली में ज्यादा बेटर है, क्योंकि बंगाली के लिए ये वाला है कोई और भी, ऑब्वियसली इट्स एन इवेंट, सो लाइक क्या बोलते हैं उसको, ओकेशन, राइट? हाँ ओकेशन कहते हैं ना, ओकेशन कहते हैं। अरे क्या था ना वर्ड, फेस्टिवल, फेस्टिवल। हाँ तो फेस्टिवल है तो हर कोई कर सकता है, किसी का फेस्टिवल नहीं है, पीपल का, लाइक इट्स फॉर द पीपल। तो एवरीवन हैप्पी दोल यात्रा, और अच्छे से रहना, ज़्यादा कुत्तों को मत छेड़ना यार, मतलब उनको थोड़ा सा ऑफ रहता तो फिर बढ़िया रहता, ठीक है ना? तो वो सब करो जो मर्जी करो, ज़्यादा मतलब वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, मतलब इनको थोड़ा सा अगर आप इग्नोर करके खुद में अगर करो ना, तो इंसानों में करो तो ठीक है, बाकियों को इनको थोड़ा सा छोड़ दो, कि इनको जो है प्रॉब्लम्स होता है। तो मुझे देखना है, पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता, तो बस इसीलिए मैं भी जो है मेरे ब्लॉग में कह रहा हूँ, या फिर मैं कोई ऐसा नेशनल वाइल्ड लाइफ कुछ हूँ नहीं, ठीक है? बट या इज माई पॉइंट, अच्छे से खेलना, सेफ रहना, ठीक है? और मिलते हैं हम लोग कल। अगर ये वाला ब्लॉग आप नए देख रहे हो, या फिर चैनल पे आप नए हो, तो फिर सब्सक्राइब कर देना, और क्या बोलते हैं हम लोग, रात को देख रहे हो या ब्लॉग को, तो फिर गुड नाइट। सुबह देख रहे हो तो फिर गुड मॉर्निंग। दिस इज मी dopking/dopshiva साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। BGIS का रजिस्ट्रेशन आज होने का था, बट वो हम लोग करेंगे कल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, गुड बाय, सी यू टुमारो।